नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 अप्रैल शनिवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। बाड़मेर जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सिवाना पंचायत समिति के जेटीए देवेंद्र मालवीय को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी एएसपी रामनिवास ने डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर यह कार्रवाई की। एएसपी रामनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि देवेंद्र मालवीय बिलों से जुड़े प्रकरण में उससे रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी देवेंद्र मालवीय को 1,00,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आज देश के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में जस्टिस रमन्ना को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। बता दें कि चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने कल 23 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके बाद जस्टिस नाथालपति वैकंट रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के 48वें चीफ जस्टिस बने हैं। 24 मार्च को बोबड़े ने उनके नाम की सिफारिश सरकार को भेजी थी। बता दें कि 45 साल से ज़्यादा का न्यायिक अनुभव रखने वाले और संवैधानिक मामलों के जानकार एनवी रमन्ना का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक का होगा, यानी वो 2 साल से भी कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। बता दें कि रमन्ना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज होंगे जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अजमेर के हावड़ा के लिए एक ट्रिप के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित होगी। जानकारी के अनुसार अजमेर हावड़ा सुपरफास्ट 27 अप्रैल को चलेगी। यह ट्रेन अजमेर से मंगलवार सुबह 9:20 पर रवाना होगी। वहीं हावड़ा से 28 अप्रैल को शाम 5:10 पर यह ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन का बांदीकुई, भरतपुर, अशनेरा, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, गया, कोडरमा, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर और वर्धमान जंक्शन पर ठहराव होगा। चित्तौड़गढ़ जिले में एक बार फिर पालना गृह से एक नवजात की किलकारी गूंजी। इस बार नवजात बालक की किलकारी थी। पालना गृह में अज्ञात परिजनों ने उसे सुरक्षित छोड़कर चले गए। जानकारी के अनुसार जिले के राजकीय चिकित्सालय परिसर संचालित पालना गृह में एक बार फिर से घंटी बजी। घंटी बजने के साथ ही नर्सिंग कर्मी दौड़ कर आया। उसने देखा तो एक नवजात शिशु कपड़े में लिपटा हुआ खेल रहा था। नर्सिंग कर्मियों ने नवजात की सार संभाल की। देश में सड़क मार्ग से माल परिवहन में क्रांति लाने और ढुलाई लागत कम करने के लिए रोड ट्रेन चलाने की तैयारी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रयास के बाद वाहन उद्योग मानक समिति ने अपने मानकों में संशोधन करते हुए रोड ट्रेन के सेंटर्ड का ड्राफ्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किया है। मानकों को यूरोपीय बेंचमार्क की जाँच के बाद तैयार किया गया है। ये मानक लंबी दूरी के फ्रेट कॉरिडोर के साथ माल की तेज और कुशल आवाजाही के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। रोड ट्रेन एक मोटर वाहन है जो ट्रेलर या अर्ध ट्रेलरों के सीलियर संयोजन से जुड़ा होता है। करंट की चपेट में आकर छत से गिरे 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना बीकानेर जिले के गंगा शहर के पाबू चौक की है। पुरानी लाइन पुगलिया गली निवासी 21 वर्षीय अश्विनी बैद अपने दोस्त के छत पर पतंग उड़ाने गया हुआ था। पतंग तार में फंसी, जिसे निकालने की कोशिश में वह तार से दौड़ रहे करंट की चपेट में आकर छत से नीचे गिर गया। उसे पीबीएम अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। कोरोना महामारी के इस समय में गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा भी संकटमोचक बनकर सामने आया है। गुरुद्वारे की ओर से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन लंगर शुरू किया गया है और उसने बीमार लोगों को अस्पताल में बेड्स मिलने तक अपने परिसर में ऑक्सीजन आपूर्ति का वादा किया है। प्रबंधक गुरप्रीत सिंह रम्मी ने बताया कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर देने या भरने का काम नहीं कर रहे। लोगों से हम कह रहे हैं कि वे वाहन में अपने मरीज के साथ गुरुद्वारे में आएं और हम उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने कहा कि 2 घंटे की बात हो, 4 या 8 घंटे की बात हो, मरीज को हम तब तक ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएंगे जब तक कि उसे अस्पताल में बेड नहीं मिल जाता। जयपुर के मुहाना इलाके में सोशल मीडिया ऐप के जरिए एक युवती से दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। भरतपुर निवासी पीड़िता ने मुहाना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कुछ समय पहले एक ऐप के जरिए दिनेश नाम के युवक से जान पहचान हुई थी। आरोपी ने खुद को प्रादेशिक सेना का जवान बताया और दोस्ती करके मिलने के बहाने रोहतक बुलाया। यहाँ पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। उसके बाद आरोपी ने शादी से मना कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
बीकानेर जिला प्रशासन के आकलन और मांग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भेजा गया 10 KL क्षमता का एक और ऑक्सीजन टैंकर शनिवार सुबह प्राप्त हुआ। इससे लगभग 1000 सिलेंडर की रिफिलिंग हो सकेगी। ऑक्सीजन व्यवस्था मॉनिटरिंग प्रभारी तथा आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अजीत सिंह राजावत ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों की टीम द्वारा ऑक्सीजन की मांग, उपलब्धता और सप्लाई पर पूरी नजर रखी जा रही है तथा आवश्यकता के अनुसार आकलन करते हुए आपूर्ति के लिए राज्य सरकार से नियमित समन्वय रखा जा रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.